मंजू की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी नाश्ता पोटैटो गिब्स। तो आइए शुरू करते हैं बनाना पोटैटो गिब्स। एक कप हम मैदा लेंगे, 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून अजवाइन डालेंगे, 1/2 टीस्पून हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ¼ कप हम इसमें ऑयल डालेंगे मोइन के लिए, मोइन को अच्छे से मिक्स करेंगे। मोइन हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसका हम एक डो रेडी करेंगे। मैदा को हम ना तो ज़्यादा टाइट लगाएंगे ना ज़्यादा सॉफ्ट, हम इसको नॉर्मल लगाएंगे जैसे हम एक रोटी का लगाते हैं। हमें इस तरह से इसका एक सॉफ्ट आटा तैयार करना है। इस पर हम थोड़ा सा ऑयल का हाथ लगाएंगे। मैदा हमारी गूंद के तैयार हो चुकी है, हमें इस तरह से इसका आटा तैयार करना है। अब इसको हम 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तो अब हम बनाएंगे पोटैटो गिब्स की स्टफिंग। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने ये 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, इनको उबाल के ग्रेट करके पहले से ही रखा हुआ है। इसमें हम एक छोटे साइज़ का प्याज डालेंगे, वो मैंने बारीक काट के रखा हुआ है। प्याज अगर हम खाएं तो डालें, नहीं तो हम स्किप भी कर सकते हैं इसको। हाफ टी स्पून चाट मसाला डालेंगे, 1 टीस्पून हम नमक डालेंगे, नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा डालेंगे, 1/2 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे, 1 टीस्पून हम लाल मिर्च डालेंगे, 2 टीस्पून हम बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च भी हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, कम और ज़्यादा कर सकते हैं इसको हम। 2 चम्मच बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे, 4 चम्मच चावल का आटा डालेंगे। अगर चावल का आटा ना हो तो हम कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं, पोहे को पीस के भी डाल सकते हैं हम। 1/2 नींबू निचोड़ेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे हम। चावल का आटा डालने से इसमें एक बाइंडिंग बहुत अच्छे से आ जाती है और बहुत अच्छे क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। आलू हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम थोड़ा सा हाथ पे ऑयल या घी कुछ भी लगाएंगे और आलू की स्टफिंग को नींबू जितने साइज़ की हम थोड़ी सी हाथ में लेंगे और इसकी छोटी छोटी बॉल तैयार करेंगे हम। इस तरह से हम छोटी छोटी नींबू की साइज़ की बॉल रेडी करेंगे। हम सारी बॉल को ऐसे तैयार करेंगे। स्टफिंग की हमने सारी बॉल बना के रेडी कर ली है, थोड़ी सी हम सिलेंड्रिकल शेप में बनाएंगे। हम इसको इस तरह से भी शेप दे सकते हैं। इसको मैंने स्प्रिंग पोटैटो का नाम दिया है, आप इसका कोई भी नाम रख सकते हैं। इसको हम सिलेंड्रिकल शेप में भी बना के दिखाएंगे, इसको हम पोटैटो स्प्रिंग का नाम देंगे। इसी तरह से हम सारी पोटैटो स्प्रिंग भी तैयार करेंगे।
हमारी सभी बॉल्स बनके रेडी हो चुकी हैं। बॉल्स को हम गोल भी रख सकते हैं या इसको हम स्क्वायर भी कर सकते हैं, और या फिर हम इसको इसके हम डाइस की शेप भी बना सकते हैं। इस तरह से हम सारी इसको डाइस की शेप दे देंगे। 2 चम्मच हम मैदा लेंगे, इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसका हम एक गाढ़ा सा घोल बनाएंगे, इसको हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। मैदा का घोल भी हमारा बन चुका है, इसका हमें एक गाढ़ा सा घोल बनाना है, ये हमारे चिपकाने के काम आएगा। घोल हमारा रेडी हो चुका है, मैदा भी हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, एकदम स्मूथ सी हो चुकी है। अब इसको हम एक प्लेटफॉर्म पे अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसको एक अच्छा बड़ा सा बेलेंगे, बड़ी रोटी सी बनाएंगे इसकी। एक जैसे नमक पारे बनाते हैं उस तरह से हम इसका एक रोटी बेलेंगे पूरा। हमें इसको इस तरह से इतना पतला बना के रेडी करना है। इसकी हम छोटी छोटी सी स्ट्रिप्स काटेंगे, करीब 1/2 इंच चौड़ी। इस तरह से हम सारी स्ट्रिप्स को काट के तैयार करेंगे। हमने सभी स्ट्रिप्स को काट के रख लिया है। अब इसको हम एक प्लेट में या एक बोर्ड पे किसी भी चीज़ पर रख देंगे सारी स्ट्रिप्स को। अब हम पोटैटो क्यूब्स बनाना शुरू करेंगे। पहले मैदा की स्ट्रिप्स पे हम मैदा का ये घोल लगाएंगे। और इसको हम आधा कट कर लेंगे। एक पोटैटो की डाइस को उठाएंगे हम, और इस तरह से हम इसको पट्टी को उठाएंगे और हल्का सा मोड़ के छोड़ देंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी करेंगे, और इसको हल्का हल्का ऐसे प्रेस कर देंगे। अब इसको उठा के हम इसको दूसरी साइड से भी हम बिल्कुल इसी तरह से पट्टी को उठाएंगे और हल्का सा मोड़ के छोड़ देंगे। और इसको हम इस तरह से, अब ये थोड़ी लंबी है तो इसको हम काट देंगे। इसको भी हम इस तरह से तैयार करेंगे। इसी तरह से हम सारे पोटैटो क्यूब्स रेडी करेंगे। ये स्ट्रिप्स लेंगे और इसके ऊपर हम मैदा का घोल लगाएंगे और इसको आधा कट करेंगे। पोटैटो डाइस को इसके ऊपर रखेंगे और इस स्ट्रिप्स को उठाएंगे और इसको हल्का सा मोड़ते हुए और चिपकाते हुए हम इसको इस तरह से छोड़ देंगे और हल्के हल्के हाथों से इसको प्रेस करेंगे। फिर हम इसको डाइस को फिर से उठाएंगे और इसको दूसरी साइड से लगाएंगे और इस स्ट्रिप्स को उठा के चिपकाएंगे। अगर ज़्यादा थोड़ी बड़ी लगे तो इसको हम कट कर देंगे। इसी तरह से हम इधर से भी उठाएंगे और इसको कट कर देंगे। इसी तरह से हम सारे पोटैटो क्यूब्स रेडी करेंगे। ये देखिए हमारे पोटैटो क्यूब्स कितने अच्छे बनके तैयार हुए हैं। अब हम स्प्रिंग पोटैटो बनाएंगे। स्प्रिंग पोटैटो बनाने के लिए एक स्ट्रिप्स लेंगे और उसके ऊपर भी ऐसे मैदा का घोल लगाएंगे। और ये पोटैटो की स्टफिंग लेंगे और इस तरह से हम इसको धीरे धीरे इसको घुमाएंगे। और ये हमारा स्प्रिंग पोटैटो तैयार हो गया। इसको बनाना बहुत आसान है और ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। खाने में तो है ही बहुत अच्छा, लेकिन देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से हम दूसरा स्प्रिंग पोटैटो बनाएंगे।
हमारे सभी पोटैटो क्रिप्स बनके तैयार हो चुके हैं। अब इसको हम फ्राई करेंगे। हम पोटैटो क्रिप्स को पहले थोड़ी देर पहले भी बना के फ्रिज में रख सकते हैं। कोई मेहमान आने वाला हो तो हम निकाल के तभी तल सकते हैं। इसको हम 2-4 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख सकते हैं बना के। और अब हम इनको तलना शुरू करेंगे। पोटैटो क्रिप्स को अब हम तलना शुरू करेंगे। तेल को हम मीडियम फ्लेम पे गरम करेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करेंगे और ना बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। इनको हम इसमें डालेंगे। पोटैटो क्रिप्स को हम मीडियम फ्लेम पे तलेंगे और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। ये हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इनको हम एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। इसी तरह से हम ये पोटैटो स्प्रिंग को भी तलेंगे। इसका जब ये सारा झाग खत्म हो जाएगा तब हम इसको पलटेंगे और बाकी के बचे हुए मैदा से हमने इसके छोटे से नमक पारे तैयार कर लिए, इनको भी इस कढ़ाई में तलने के लिए डाल देंगे। इस तरह से हम इनको भी धीरे धीरे पलटेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना, नहीं तो ये बहुत जल्दी से सिक जाएंगे और इसकी जो मैदा कच्ची रह जाएगी। हमारे पोटैटो स्प्रिंग भी तैयार हो चुके हैं, इसको भी हम कढ़ाई में से निकाल लेंगे। और ये बची हुई मैदा से हमने नमक पारे रेडी कर लिए थे, इसको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमारे स्प्रिंग पोटैटो और पोटैटो क्रिप्स भी तैयार हो चुके हैं। अब हम इसका एक अच्छा सा प्लेटर रेडी करेंगे। पोटैटो क्रिप्स का अब हम एक अच्छा सा प्लेटर रेडी करेंगे। इसमें हम पहले पोटैटो क्रिप्स को रखेंगे। पोटैटो क्रिप्स हम अपनी कोई भी मनपसंद चटनी के साथ खा सकते हैं। इसमें हम पोटैटो स्प्रिंग रखेंगे, स्प्रिंग पोटैटो रखेंगे। ये दोनों खाने में तो टेस्टी लगते ही हैं, देखने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं, देखने में भी बहुत ही प्यारे लगते हैं। जब कोई मेहमान आए तो हम इसको थोड़ी देर पहले बना के फ्रिज में रख सकते हैं। इसके ऊपर हम थोड़ा सा एक एक ड्रॉप सॉस की डालेंगे या ग्रीन चटनी की भी डाल सकते हैं। इसको हम अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। और हमारे ये पोटैटो क्रिप्स बनके तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर कीजिए।